हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम में साक्षी चौरसिया तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ इस स्ट्रैटेजी में मैं आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करूंगी जिसके बेसिस में आप मार्केट में इजीली ट्रेड ले सकते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वेल well, जो इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं उस इंडिकेटर का नाम है सी पी आर ट्रेडिंग इंडिकेटर दैट इज सेंट्रल प्राइवेट रेंजेस यस आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इस इंडिकेटर के बारे में सुना होगा एंड ट्रस्ट में अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं देन आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से वन मंथ का वन लैख रुपीज़ तक ईजीली अर्न कर सकते हैं काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं एंड आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सेंट्रल प्रवेट रेंजेस को यूज़ कर रहे होंगे काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा बट आपको नहीं मालूम है कि इसे किस तरीके से इसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप देन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप सी को मार्केट में सही तरीके से यूज़ करके इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम का इज लेट्स स्टार्ट द वीडियो उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आई कैन ताकि ऐसी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज आप तुरंत तो देख सकें और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें ओके तो चलिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ अब देखिए यहाँ पर ना मैंने काइट का चार्ट ओपन करा हुआ है अब इस पॉइंट पर ना हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर वनडे का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे बिकॉज हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड वी ऑल नो दैट कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें बड़ा टाइम फ्रेम को देखना होता है ठीक है तो यहाँ पर वनडे का टाइम फ्रेम है इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर मैंने अपने जो सेंट्रल प्राइवेट रेंजेज हैं उनको पुट कर लिया है ऑल यू हैव टू गो इन द स्टडी सेक्शन और यहाँ पर आपको सी पी आर रेंजेस मिल जाएंगी आपको वो यहाँ पर पुट कर लेना है इसके अलावा मैंने यहाँ पर हंड्रेड डे का मूविंग एवरेजेस भी यूज़ करा हुआ है हमने ये मूविंग एवरेज इसलिए यूज़ करा हुआ है बिकॉज मार्केट में हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना चाहिए बिकॉज जब हम मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट सिनेरियो बढ़ जाते हैं हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है और हम मार्केट में सही पॉइंट पर ट्रेड ले पाते हैं राइट right? इसलिए यह हम यूज करा हुआ है जब भी हमारा जो ट्रेड है वो इन मूविंग एवरेज के अपसाइड हो देन हम मार्केट में बाय का ट्रेड लेंगे और अगर हमारा जो कैंडल्स है वो मूविंग एवरेज के बिलो जा रहे हैं देन हम उस पॉइंट पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे बिकॉज वहां से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ठीक है नाउ ये दो चीजें देख लें इसके अलावा एक चीज पर आपको और फोकस करना है वो है हमारी वॉल्यूम येस हमें उन्हीं कैंडल पर ट्रेड लेना है जिनकी वॉल्यूम हाई है अगर उनकी वॉल्यूम हाई नहीं है देन हम उस पॉइंट पर मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे ठीक है वॉल्यूम एक कन्फर्मेशन की तरह वर्क करती है इसलिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिंपल है जब भी जो हमारा ट्रेड है वो इन सी पी आर रेंजेस को क्रॉस करके या सी पी आर रेंजेस को टच करके अपसाइड जा रहे हैं देन हम उसमें बाय का ट्रेड लेंगे हम ट्रेड तभी लेंगे जब वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और उसकी भी वॉल्यूम इंक्रीज हो ठीक है तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है काफ़ी सारे लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण उन्होंने मार्केट में लॉस हो जाता है इसीलिए आपको ये चारों फैक्टर देखना है और जब अगर ये चारों फैक्टर मैच

अब अगर आप मार्केट में इस पॉइंट पर ट्रेड लेते हैं दैट इज 1500 पॉइंट पे तो देखिए यहां से जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 2000 तक गया था तो आपको 500 का प्रॉफिट हो सकता था इन जस्ट वन मंथ यस गाइस विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर स्विंग ट्रेडिंग देखिए इस तरीके से अब ये अपने प्रवेट रेंजेस के पास आया बट यहां पर इसने कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं करी हम तो ट्रेड नहीं लेंगे यहां पर भी नहीं करी है अब इस पॉइंट पर अगेन देखिए क्लोजअप में ये अपने देखिए देखिये सीपीआई रेंजेस के पास है ठीक है ये अपसाइड जा रहे हैं मूविंग एवरेज इसके भी अपसाइड एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई हुई है तो हम इस पॉइंट पर ट्रेड ले लेंगे हम 1800 पर ट्रेड लेंगे देखिए इस तरीके से और देखिए ये जो ट्रेड है अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रेड देखिए 2500 पॉइंट्स तक गया था इन जस्ट वन वीक देखिए ये ट्वेंटी ऑफ मई से शुरू हुआ था और देखिए गाइस ट्वेंटी जून पर इसने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का प्रॉफिट फॉर ट्रेडिंग से अगेन देखिए तो इसमें प्रॉफिट होता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे का जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं देखिए अगर ये अपने मूविंग एवरेजेस के बिलो आ रहा है देन आपको उस पॉइंट पर ट्रेडिंग अवॉइड करना है बिकॉज देखिए यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो जब भी ट्रेड हमारे जिसके अपसाइड हो ना हम तभी मार्केट में ट्रेड लेंगे ओके okay, देखिए मैं आपको और भी स्टॉक्स में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको डिटेल से नॉलेज हो सके कि यस yes, किस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गाइस बिकज मैं इसको मार्केट में हमेशा यूज करती हूं अब देखिए ये इस पॉइंट पर अपने मूविंग एवरेज के अपसाइड थी देखिए इस पॉइंट पर अगर हम देखें यहां से ठीक है मूविंग एवरेज इसके बिलो थी अब यहां से मूविंग एवरेज इसके अपसाइड जा रही है सीपीआर रेंजेस के भी अपसाइड जा रही है ग्रीन कैंडल भी फॉर्म करी और हाई वॉल्यूम भी बना रही है तो हमें यहां पर एंट्री ले लेना है अब काफी सारे लोगों के दो क्वेश्चन होते हैं इस पॉइंट पर दैट मैम कि हमें स्टॉप लॉस कहां पर पुट करना है तो गैस जिस भी कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हैं ना उस कैंडल के लो पर या उस पर उस कैंडल के लास्ट वाली जो कैंडल है उसके लो पर आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस पुट करना है हमेशा आपको मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करना है अदरवाइज आप मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे ठीक है ट्रेडिंग में लॉसेस अनअवॉइडेबल होते हैं बट वी कैन कंट्रोल दोज लॉसेज तो आपको उन पर फोकस करना है ठीक है

देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर अगर हम ट्रेड लेते तो देखिए करीबन हमने सोचिए ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्सटी पर ट्रेड लिया होता तो देखिए इस तरीके से अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता हो सकता था फिफ्टीन हंड्रेड देखिए इसके बाद ये ट्रेड ऑलमोस्ट नाइनटीन हंड्रेड पॉइंट्स तक गया तो इसमें आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होता है एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट इस गाइज कि अगर आपने इस पॉइंट पर अपनी एंट्री मिस कर दी थी ओवर हीयर देन आपके पास यहाँ पर भी एक एंट्री का साइन था आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे आप अगेन यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे आप देखिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे आप यहाँ पर ट्रेड ले, ले सकते थे और इस तरीके से आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता था अब देखिए ये अपने मूविंग एवरेजिस के बिलो आ गए तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है ये अगेन अपने मूविंग एवरेजिस के अपसाइड जा रहे यहां पर एक ग्री, ग्रीन कैंडल भी फॉर्म करी उसकी वॉल्यूम भी आई है तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते थे और देखिए अगेन अगर आपने इस तरीके से ट्रेड लिया होता तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ का आपको इसमें प्रॉफिट होता अगेन ये अपने मूविंग एवरेज के बिलो था हम ट्रेड नहीं लेंगे ये फिर अपने सीपीआर पी रेंजेस के अपसाइड जा रहा है मूविंग एवरेज जिसके अपसाइड जा रहा है यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो रही है वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है तो आप इस तरीके से यहाँ पर अगेन ट्रेड ले सकते थे और देखिए इसमें आपको प्रॉफिट होता दैट इज़ अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते दैट इज़ ट्वेंटी 100 पर तो देखिए ये ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तक गए थे जिसमें आपको वन थाउजेंड पॉइंट का प्रॉफिट होता है इन जस्ट टू तो और थ्री मंथ विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इन ट्रेड आई मीन टू से स्विंग ट्रेडिंग देखा इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गई ये आपको मार्केट में हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्रोवाइड करेगी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के थ्रू प्रोवाइड करेगी तो आप मार्केट में ईजीली यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और देखिए बड़े बड़े प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस तरीके से देखिए मैं आपको एक बार और एक अगेन uh, दूसरे स्टॉक में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी ना देन आप वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली आपकी उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी जैसे देखिए अगेन इस पॉइंट पर कि अपने सी पी आर रेंजेस के अपसाइड जा रहा है यहाँ पर देखिए अपने मूविंग एवरेजेस के भी अप है ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसकी भी वॉल्यूम हाई है तो आप देखिए इजिली यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे देखिए इस पॉइंट पर आप ट्रेड ले सकते थे अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी होती तो देखिए ये अगेन अपने सी के अपसाइड जा रही थी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे अब देखिए अगेन ये अपने मूविंग एवरेज जिसकी एमिट से सी पी आर एन जिस की अपसाइट थी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे देखिए टू थाउजेंड अगर आप यहाँ से जाते ना ओवर हीयर अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते दे टू हंड्रेड 2250 पॉइंट्स पर तो देखिए ये ऑलमोस्ट 2800 तक गया था तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता अब जैसे देखिए अगेन आप यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए ये अपने अगेन सी पी आर रेंजेस के पास आई है देखिए इस पॉइंट पर हम ट्रेड नहीं लेंगे वाई बिकॉज इसने कम्प्लीटली अपने मूविंग एवरेजिस को क्रॉस नहीं किया आप देखिए इस पॉइंट पर हम ट्रेड ले सकते थे वाई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुई है वॉल्यूम भी आई है और ये क्लियरली मूविंग एवरेज के क्रॉस जा रहा है तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे हम अगेन इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते थे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री लेके इजीली मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जब भी ये अपने मूविंग एवरेज के बिलो जाए देन हमें उस पॉइंट पर ट्रेडिंग अवॉइड करना है हमें मार्केट में तभी ट्रेड लेना है जब ये अपने सी पी आर रेंजेस के भी अपसाइड हो अपने मूविंग एवरेज के भी अपसाइड हो अपनी कैंडल के भी अपसाइड हो, हो देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको कैंडल के लो लास्ट पर यहाँ पर अपना जो है एस एल पुट करना है हमेशा ट्रेडिंग आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ

फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाए फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाए देखिए इस तरीके से हम मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इफ अगर आपने यहाँ पर अपनी एक एंट्री मिस कर दी थी देन देखिए ये अगेन अपनी सी पी आई रेंजेस के पास आया है ग्रीन कैंडल फॉर्म करी वॉल्यूम भी हाई है तो आप अगेन यहाँ पर एंट्री ले सकते थे आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और इसके बेसिस में इजी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे गाइज जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ऑल यू हैव टू लुक कि ये अपने किस तरीके से सीपीआर पी रेंजेस को टच कर रहा है और वहां पर क्या उसने ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है वो भी हाई वॉल्यूम के साथ देन हम वहाँ पर बाय का ट्रेड ले सकते हैं गाइज इसमें आपके जो स्टॉप लॉस हेट होने के सिनेरियो ने वो काफ़ी कम हो जाएंगे बिकॉज आप मार्केट में हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे और सही पॉइंट पर ट्रेड लेंगे बट uh, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस पुट ही ना करें मार्केट में नो गाइज यू हैव टू पुट अ प्रॉपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बिकॉज ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अनअवॉइडेबल होते हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होंगे लॉसेज भी होंगे एंड स्टॉप लॉस पुट करके हम हमारे जो लॉसेज है ना उनको मिनिमम रख रहे हैं हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग में अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना देन आपको अपने लॉसेज कंट्रोल में करना आना चाहिए ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अदरवाइज आप ट्रेडिंग से कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे सो so, फर्क नहीं पड़ता आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें स्विंग करें स्कैल्पिंग करें हमेशा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और कोई भी मेंटल स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए एक मार्केट में प्रॉपर कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद ही आपको मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए ट्रस्ट में अगर आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं ना देन इन अ लॉन्ग रन आप डेफिनेटली ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करेंगे और आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनेंगे ठीक है सो आई होप ये वीडियो क्लियर हो कि किस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ वी हैव टू लुक कि हमारा जो ट्रेड हो वो इन मूविंग एवरेज के अपसाइड हो दैट इज हंड्रेड डे की मूविंग एवरेज के अपसाइड हो सी पी आर रेंजेस को टच कर रहा हो या फिर क्रॉस कर रहा हो वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और उसकी वॉल्यूम हाई होनी चाहिए जब ये चारों सिग्नल मिलेंगे हमें तभी मार्केट में ट्रेड लेना है और उसके बाद ही हमें उसमें ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करना है एंड यस स्टॉप लॉस आपको आपके कैंडल के लो पर पुट करना है देखिए जैसे कि इस तरीके से अपने मूविंग एवरेजेस के अपसाइड थी सी पी आर के ऊपर जा रही थी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई हाई वॉल्यूम हुई आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और देखिए अगर आपने इस तरीके से ट्रेड लिया होता तो आपको यहाँ पर पूरे पूरे फाइव पॉइंट का स्ट्रेट प्रॉफिट होता ओके सो आई होप ये पूरा क्लियर हो कि किस तरीके से आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं आगे देखिए ये अपनी सी पी आर रेंजेस के पास आया है और देखिए इस तरीके से सॉल्व कर देट इस तरीके से आप इसमें मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और उसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आई होप ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस स्ट्रेटी देन आप वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ऑल्सो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में नए हैं तो मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी इस पर तो उन सभी वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं सो थैंक यू सो मच गाइस यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना गाइस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके व्यूज इस वीडियो के रिगार्डिंग बिकॉज इट कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज फॉर यू एंड ऑलसो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो सो थैंक यू सो मच मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप पर्निंग कीप इम्प्रूविंग इन ट्रेडिंग ओके